Hey guys, welcome to another review. कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। मेरे पीछे दोस्तों जो बैको खड़ी है, ये स्पेशल एडिशन है जेसीबी का। इसमें क्या स्पेशल है आपको मैं बताऊंगा। वैसे देखने में दोस्तों आपको बाहर से और नॉर्मल जेसीबी बैको की तरह ही लगेगी, लेकिन इस पे अगर आप अंदर केबिन में जाओगे और इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे शीशे पे आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा ये क्या इसमें अलग आता है। यह दोस्तों जेसीबी का 2022 मॉडल जेसीबी बैको जो कि 74 एचपी में हमको मिलता है BS4 में। इसमें दोस्तों क्या है, इन्होंने ये बूम पूरा चेंज कर दिया है। बूम की जो लेंथ है ना दोस्तों, आपको देखो बड़ी हुई दिख रही होगी, ये बूम की लेंथ इन्होंने बढ़ा रखी है। डिपर की लेंथ उतनी ही है जितनी पहले आती, लेकिन बूम की लेंथ इन्होंने बढ़ा रखी है। टोटल जो है दोस्तों मैक्सिमम इसकी जो डिगिंग डेप्थ है ना वो 16.7 फिट है, पूरी जो डिगिंग डेप्थ है। और इसमें दोस्तों ये बॉकेट फिट जो है ना, ये है अपना पाइपलाइन बॉकेट 1.5, मतलब 1.5 फुट का जो बॉकेट आता है वो है पाइपलाइन की खुदाई करने के लिए। और इसमें दोस्तों एक बॉकेट जो आता है, आप इसमें 0.3 का बॉकेट जोड़ सकते हो। पहले आता था 0.26 का बॉकेट, लेकिन इसमें आप 0.3 क्यूबिक मीटर का इसमें आप बॉकेट जोड़ सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेसीबी वालों ने खुद ये बोला हुआ है। और टायर इसमें वही है दोस्तों, 16/9/28 के टायर हैं पिछले वाले, कति चमका के खड़ी करते हैं मशीन यहाँ पे एक्सकॉन में। और अगले वाले टायर दोस्तों वही हैं अपने 9/0/0/16 के। इसमें 4x4 का आपको ऑप्शन आता है। इसकी लोडर की जो हाइट है, जैसे हम लोडर का बॉकेट बंद करके ऊपर को उठाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो है 3.37 मीटर, और इसको लोडर खुलने के बाद जो इसकी हाइट रह जाएगी वो रह जाएगी इसकी 2.93 मीटर। इसमें जो लोडर लग रहा है वो अपना 1.1 क्यूबिक मीटर का लोडर लग रहा है, बड़ा देख रहे होगे आप। और इसमें ये पावर ग्रैब लग रहा है, यानी कि जैसे लकड़ी वकड़ी अगर आपको बीच में ग्रैब करके वहाँ पे डालनी है, जैसे लोडर में ऐसे भरोगे तो गिर जाएंगी, और इससे आप ग्रैब कर सकते हो, यानी कि पकड़ सकते हो और फिर ट्राली में किसी चीज़ में आप लोड कर सकते हो। और ये जो इसमें जैक लग रहे हैं, इसका लीवर लोडर के पास में एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है स्टील के, यहाँ पे पाइप लगा रखे हैं इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा इस चीज़ के लिए। तो ये पावर ग्रैब लोडर है, साइड से देख रहे हो आप इस तरीके का इसकी लुक आती है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप टंकी चेंज है, वैसे तो देख ही ली होगी कई भाइयों ने, अगर नहीं देखी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें लगी है डीजल की मोटर, जैसे अगर आप इसकी सर्विस कर रहे हो और आपने डीजल फिल्टर भरना है तो आपको डीजल फिल्टर भर के लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है सिंपली, जैसे ये खुल नहीं पा रहा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अपने यहाँ ग्रेडर में मोटर आती है ना डीजल की, वैसे इसमें डीजल मोटर यहाँ पे लगी हुई है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे आप तो डीजल मोटर पहले स्टार्ट हो जाएगी, वो सारे फिल्टर आपके भर देगी, उसके बाद में आपको पंप मारने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर दोस्तों इसका हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक दिया है, और इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल दोस्तों आपने पहले देखा होगा तो 120 लीटर इसमें आता था हाइड्रोलिक ऑयल, पर अब इसमें 92 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आता है टैंक में। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 128 लीटर का है, जो कि राइट साइड में है मशीन का, शुरू से ही आता है राइट साइड में, वैसे ही आपको दे रखा है। और ब्रेकर का दोस्तों इसमें ऑप्शन आता है, और 4x4 का भी इसमें ऑप्शन है। ये इसका डीजल टैंक 128 लीटर का। और इंजन कूलेंट की अगर बात करें, जैसे अपना जो कूलेंट पड़ता है वो इसमें पड़ता है 20.5 लीटर, और इंजन ऑयल इसमें पड़ता है 15 लीटर, और ट्रांसमिशन ऑयल इसमें पड़ता है 17.5 लीटर, रेयर एक्सल ऑयल पड़ता है इसमें 20 लीटर, और फ्रंट एक्सल जैसे अगर 4x4 है तो वो 11 लीटर आएगा उसमें। जेसीबी दोस्तों काफ़ी टाइम से आपको पता है डबल साइड सिलेंडर दे रही है स्टेयरिंग के लिए, जो कि बढ़िया है। ये 2022 मॉडल मशीन है, ये देख रहे हो अप्रैल 2022 लिखा हुआ है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट। इस पे दोस्तों जो लिखा हुआ है शीशे पे उसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा, पहले आप बाहर से अच्छी तरीके से देख लीजिए। और इस पे देखो लिखा हुआ है ईजी शिफ्ट, इसका तो मतलब जानते हैं आपको मैंने बता रखा है, ईजी शिफ्ट जो हाथ में गियर साइड में है लेफ्ट साइड में अपने रिवर्स फॉरवर्ड में डालने के लिए, तो उसमें गियर दे रखे हैं, तो इसलिए उसका मतलब हो गया ईजी शिफ्ट। इको एक्सपर्ट मतलब ये पॉल्यूशन को एसी कूल कंफर्ट है, विद एसी मशीन है अपनी, इजी कंट्रोल, इजी कंट्रोल का मतलब हम आपको वो बताऊंगा। और अपना BS4 का इसमें इंजन लग रहा है, स्मूथ राइड इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, स्मूथ राइड इजी कंट्रोल ये एक ही चीज़ है, पर आपको बताता हूँ ये क्या है स्मूथ राइड, ठीक है आपको दिखाता हूँ मैं स्मूथ राइड क्या है। इसके लिए दोस्तों मेरे को इसके केबिन में जाना पड़ेगा। बाहर से देखने में दोस्तों एक वैसी मशीन लगती है ये, जैसे कि आप देख रहे हो, और इसमें जो अंदर जाने के बाद जो आपको इसमें मज़ा है ना वो आपको मैं फील करवाता हूँ। अन्ना खोलो जरा, हाँ अब इसके खोलते हैं विंडो और चलते हैं इसके अंदर। ये इसमें लोडर का लॉक पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, और यहाँ से आप सीट अपनी रिक्लाइन कर सकते हो। सीट में दोस्तों इसके ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा है, जैसे बकेट टाइप इसकी सीट आती है वो वही है, सीट में कोई दिक्कत नहीं, सीट से पे बैठ के बंदा गिरने की नहीं सोचता। जैसे एक बैको मैंने देखी थी उस पर थोड़ी ढालू नुमा सी सीट थी, बैठ के उस पर फिसलन सी होती थी,
ऑपरेटर के लिए। ब्रेक पेडल उसी टाइप के हैं, एक्सीलेटर पेडल उसी टाइप का है। ये इस बटन इसमें वही दोस्तों सीट घुमाने के लिए, रुक जाओ इसमें बैठ के घूमेगी। और ये है दोस्तों सीट बटन इसमें घुमाने के लिए, ये आगे पीछे करने के लिए है, ये घुमाने के लिए हो गया और ये आगे पीछे करने के लिए हो गया। सामने से आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने 2021 में मशीन आ रही थी, 2019 से 2020 तक वैसा ही आपको देखने को मिला। कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। आगे आपको किलोमीटर की रीडिंग शो करेगी, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड और इसमें 1-2-3 गियर, ये है दोस्तों इजी शिफ्ट का मतलब, ठीक है। और ये इसमें हो गया लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड वाइपर, इसमें वाइपर मोटर दोस्तों नहीं मिलती यार, ये जेसीबी को देनी चाहिए। और हेडलाइट अपना लो बीम हाई बीम भी कर सकते हैं। और ये आ गया दोस्तों मार्चिंग के लिए, अगर आप मार्चिंग में चल रहे हैं तो आपको ऊपर करके बटन रखना पड़ेगा। और आप अगर हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक का कुछ भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आप इसको नीचे करके रखो, हाइड्रोलिक फ्लो तेज हो जाएगा। ये हैजार्ड लाइट आ गई, ये अपनी हेडलाइट और पार्किंग आ गई। और इस तरीके का आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मल है। और ये आपका बोतल होल्डर टाइप आ गया, आपकी हैंड ब्रेक आ गई, और ये आपका आ गया पावर ग्रैब के लिए लोडर लीवर, लोडर में आगे जो एक एक्स्ट्रा फंक्शन है। और ये आ गया आपका लोडर का लीवर, ठीक है। और डम स्विच दोस्तों इसको बोलते हैं, जैसे हमको अपना जैसे गियर में है मशीन और हमको एक्सीलेटर देना थोड़ा, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लच तो इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे प्रेस की प्रेस करोगे तो मशीन न्यूट्रल हो जाएगी। और जैसे हम लोडर मार रहे हैं, लोडर चलते चलते दोस्तों हम जैसे दूसरे गियर में लोडर मार रहे हैं और हमको पहले गियर की जरूरत पड़ गई, तो हमको यहाँ से पहले गियर नहीं करना है, इस पर अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो मशीन पहले गियर में आ जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। और यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखोगे तो ऊपर इसकी है आगे वाली वर्क लाइट का बटन और पीछे वाली वर्क लाइट का बटन, ये हो गया। ये एसी का हो गया कंप्रेसर ऑन करने के लिए, ये इसके ब्लोअर हो गए। और ये आ गया इसका एक्सीलेटर इलेक्ट्रॉनिक है जो पीछे वाले लीवर्स यूज करने के लिए। अभी आपको पीछे कैमरा नहीं घुमाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको क्या है इसका इजी स्मूथ राइड, क्या मतलब है इसका इजी कंट्रोल क्या है। यहाँ पे इसका दोस्तों ब्लोअर फिट है एसी के लिए, एसी की हवा आने के लिए पाइप जा रहा है यहाँ से दोस्तों, वेंट में सब में हवा आती है, इसके ऊपर ही वेंट दे रखे हैं और आपको कहीं भी इसके वेंट जो है नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, या तो यहाँ से साइड से देने पड़ते हैं, पर यहाँ से आपको यहाँ पे दे रखे हैं वेंट, सीट में पैरों के नीचे कहीं कोई वेंट नहीं है, ठीक है। और नीचे वाले बटन्स की बात करें तो यहाँ पे इको मोड हो गया, नीचे पावर मोड हो गया, और ये इंजन स्टॉप हो गया। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो सीट से अगर आप एक दो मिनट के लिए उठ जाते हैं तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। ये ट्रिप मारने का हो गया, अगर आप जैसे कहीं घंटे पे चलाने के लिए लेके गए हैं मशीन और आपको देखना है कि हाँ अब मैंने यहाँ से कितने घंटे मशीन चली अपनी ये मेन रीडिंग से अलग, तो आप ट्रिप करके जीरो कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कितनी देर मशीन मेरी चली है। ये हो गया आपको केपीसी लेफ्ट राइट करने के लिए। और ये आ गया आपको हाइड्रोलिक का लॉक, जैसे आप मशीन स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद में आपको एक बार ये प्रेस करना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि ये जो आपके पीछे वाले लीवर हैं बैको के, वो आपके काम करने लगेंगे, इसको अगर नहीं दबाओगे तो काम नहीं करेंगे। ये आपका हो गया ब्रेकर के लिए स्विच, और ये हो गया SMS सॉस मतलब पैनिक बटन हो गया, जैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है ऑपरेटर को तो आप ये बटन दबा सकते हैं। टेली टेक्नोलॉजी का इसमें लाइव लिंक लगा हुआ है, और उससे क्या है एक आपके ओनर के पास और एक JCB के पास मैसेज चला जाएगा कि आपको ऑपरेटर किसी परेशानी में किसी प्रॉब्लम में। ओके, यहाँ पे इसकी लगती है गाइस की, और यहाँ पे इसका होकर है ऑन, इसमें इस तरीके का दोस्तों लाइट आती है। यहाँ पे आते हैं आपके इंजन के घंटे, और यहाँ पे आता है इसके जो आपने ट्रिप मारा है उसका आता है सिस्टम, ठीक है, AUX हॉर्स। और यहाँ पे आते हैं आपका इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पे आता है आपका फ्यूल का टेम्परेचर, और बीच में दोस्तों जो आपका डेट भी दिखाता है आपको, यहाँ टाइम भी दिखाता है, और यहाँ पे आपका आ रहा है ये आपका लिखा भी आता है दोस्तों लो फ्यूल लेवल। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, सही है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और आपकी नजर दोस्तों इधर चली गई होगी कि ये क्या चीज है, तो ये जो चीज है गाइज यही तो है इसका स्मूथ राइड भाई। कब को दिखाता हूँ मैं सीट घुमा के पूरा नजारा, इसका इजी कंट्रोल क्या सिस्टम है। ये देखो दोस्तों मैंने घुमाई यहाँ पे सीट, और ये दोस्तों इसके आगे हैं, यहाँ आगे दोस्तों इसकी स्मूथ राइड इजी कंट्रोल, ये है दोस्तों इसका मतलब इजी कंट्रोल का मतलब, समझ गए। और ये दोस्तों जो इसमें लीवर्स हैं ये दिए हैं इसमें डबल स्पूल वाले, जैसे कि आपने एक और बैको आती है उसमें देखे होंगे, वो अपने उस मार्केटिंग को देखते हुए इन्होंने ये अपना स्पेशल एडिशन निकाला हुआ है। ये एज पर कस्टमर के कहने पर दोस्तों ये बना देते हैं ऐसी मशीन, ऐसा मशीन ऑप्शनल में है अगर कोई लेना चाहे तो, वही दोस्तों थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से एक पेडल दिया है इन्होंने, आप थोड़ा इसको इस साइड में इधर उधर करके भी चला सकते हो, लेकिन इसमें फिक्स जो फंसेगा वो यहाँ पे ऐसे करके फंस जाएगा, एक इसका यहाँ ऑप्शन है। मेरा दोस्तों कहना ये था कि छोटे छोटे दोस्तों इसमें यहाँ पे ना वो देने चाहिए कट से ना,
ताकि ये कहीं भी ऐसे करके फंस जाए, लेकिन मैं काफी दूर दूर ही दे रखा है ये। ठीक है, इसमें लीवर में दोस्तों ये बटन है इसका हॉर्न का, और बाकी फंक्शन वही है, सेम है बिल्कुल जैसे कि अपनी पुरानी वाली बैकों में आते हैं, बस इसमें ये चेंज कर दिया है। और बहुत बढ़िया है यार ये, अपना नहर की खुदाई वुदाई करने के लिए ऑपरेटर के हाथ नहीं थकते हैं। वो जो थोड़े पहले वाले लीवर हैं उससे बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सावेटर की तरह पूरे लीवर इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे। और ये लीवर जो है दोस्तों इसके ये प्लस में है, ये मतलब जैसे मल्टीप्ले क्रॉस में नहीं है इसके लीवर, जैसे अपने क्रॉस में आते हैं नॉर्मल बैकों में, इसके लीवर जो है प्लस में है। और यहाँ पे आपको ये आर्म रेस्ट भी दे रखा है सॉफ्ट सा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो आपको बैको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप पूरी रात चलाते रहो। तो ये इसका फुल एक मीनिंग है। और बाकी यहाँ पे जो अपना ग्लास खोलने के लिए आते हैं बटन, वो सेम है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ब्लोर तो आपको बताया दिया, यहाँ पे केबिन की लाइट दे रखी है, और यहाँ पे दो स्पीकर दे रखे हैं, और ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। ये जेसीबी कंपनी की यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दे रखा, पहले जेवीसी का आता था पर अब जेसीबी ने खुद का ही दे दिया है। और आगे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, वर्क लाइट, हेडलाइट आपको हैलोजन ही मिलती हैं, और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है जो कि पहले था वैसा ही है, सेम कुछ भी चेंज नहीं है। और इस साइड का आपको मैं व्यू दिखाऊं तो ये भी इस टाइप का भी सेम है, खाली ये स्टिकर एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, पता नहीं पहले भी आता था, मेरे को लग रहा है ऐसे एक्स्ट्रा हो। और पीछे वाली भी दोस्तों इसमें जो है वर्क लाइट जो है वो एलईडी है। तो ऐसी है दोस्तों कुछ मशीन, 74 HP में आपको दी जाती है ये, और इसकी कीमत दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए सॉरी, कीमत तो अभी मेरे को ही नहीं पता इसकी चली है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये देख के और ये एसी कंफर्ट देख के, कमेंट करके जरूर बताना भाई। ओहो भाई रे गर्मी लग गई, देख रहे हो कभी पसीना आ गया भाई। तो दोस्तों ये थी अपनी जेसीबी की बैको, जेसीबी 3DS एक्स्ट्रा इजी शिफ्ट विद स्मूथ राइड और इजी कंट्रोल, इजी कंट्रोल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसी जेसीबी दोस्तों आपने पहले नहीं देखी होगी कभी भी, तो ये दोस्तों जेसीबी का स्पेशल एडिशन है जो कि इसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। और इसमें दोस्तों जो बॉकेट है वो मेनली जो हाइलाइटेड फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, 0.3 का इसमें बॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें लोडर जो है 1.1 क्यूबिक मीटर का इसमें लोडर आपको मिल जाता है, और मशीनों से आपको बड़ा मिल जाता है, इसमें हर चीज बड़ी मिलती है आपको। तो कैसा लगा दोस्तों आपको रिव्यू, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू। और आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इसके स्टेबलियर के लीवर कितने हैं, स्टेबलियर के लीवर दोस्तों इन्होंने यहाँ दे रखे हैं, ये थोड़े से दोस्तों मेरे को मिसप्लेस्ड लग रहे हैं, मतलब थोड़े से दोस्तों यहाँ पे बीच में होते, यहाँ पे यहाँ इस साइड में होते, थोड़ा यहाँ पे ऑपरेटर को हाथ जाने के लिए थोड़ी दिक्कत हुआ करेगी, ये थोड़ा सा दोस्तों इन्होंने काम यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा मिसप्लेस्ड है, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होने चाहिए थे, यहाँ पे होते तो थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे होते तो थोड़ा सही लगता, मेरे हिसाब से थोड़ा मिसप्लेस्ड है। बाकी आप बताना अपना रिव्यू कैसा है आपका, आपका मानना कैसा है, आपका समझना कैसा है इसकी सीट पर होगी रिक्लाइन करने के लिए। ओके विद, यहाँ पे इसके फ्यूज बॉक्स आते हैं नीचे। ठीक है गाइस।